नमस्कार, पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में मैं मंजुला सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस महत्वपूर्ण पुस्तक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पुराण पुरुष श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। लाहिड़ी महर्षि जी के विषय में हम सभी ने योगी कथामृत के माध्यम से ये जाना है कि वो एक गृहस्थ होते हुए भी कितने उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा संत योगी थे। इस पुस्तक को लिखने का बहुत बड़ा काम उनके ग्रैंडसन श्री सत्यचरण लाहिड़ी और उनके एक शिष्य अशोक कुमार चट्टोपाध्याय जी ने किया है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये था कि लाहिड़ी महर्षि के जीवन के विषय में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि आजीवन वो एक गोपनीय साधना करते रहे, गुप्त रहे, बहुत कम शिष्यों के संग उनकी बातचीत होती थी। आम तौर पर लोगों को उनके विषय में इसलिए नहीं पता था कि कभी जनसभा में नहीं जाते थे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करते थे। इसलिए सत्यचरण लाहिड़ी जो उनके ग्रैंडसन थे और उन्होंने कभी श्यामाचरण लाहिड़ी को देखा नहीं था, उन्हें लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लाहिड़ी महर्षि की मूर्ति के सामने बैठ करके गीता का पाठ करते थे और उनको लगता था कि उनके बाबा जी जो हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। तो एक तरह से सूक्ष्म जगत से लाहिड़ी महर्षि के निर्देश के अनुसार ही इस पुस्तक का सृजन किया गया है। लाहिड़ी महर्षि का जन्म 30 सितंबर 1828 को नवदीप वेस्ट बंगाल में नादिया जिले में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, वहीं पर एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। माता पिता दोनों ही बहुत शुद्ध सात्विक और संस्कारी थे। जब ये 5 वर्ष के थे तभी गांव में बाढ़ आ गई और ये कहा जाता है कि उनकी जो संपत्ति थी उसको काफ़ी क्षति पहुँची और जल मार्ग से वो लोग काशी आए थे। काशी में उनका पुराना मकान था तो वहीं पर वो लोग आके रहने लगे और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ाई लिखाई हुई। 21 वर्ष की अवस्था में, उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मिलिट्री इंजीनियरिंग का कुछ काम होता था, जहां पर इन्होंने एक क्लर्क की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। जब ये 18 साल के थे तभी इनकी 9 वर्ष की एक कन्या के संग शादी कर दी गई थी। तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति, जो एक आम आदमी का जीवन होता है, मध्यम वर्ग, उस तरह का जीवन इन्होंने जिया। कई जगह इनके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे और आमदनी कम थी, तो इसलिए ट्यूशन पढ़ाने का काम भी ये करते थे। जब ये करीब 40 वर्ष के थे तो इनको आदेश मिला कि आपको रानीखेत जाना है, वहाँ पर सड़क बनानी है और सेना के लिए, फ़ौज के लिए रसद ले जाने का काम करना है। तो ये कई दिनों में चल करके दानापुर से रानीखेत पहुँचे और वहाँ उस समय मकान भी नहीं था, एक तंबू में रहते थे और अपनी पूरी आर्म फोर्सेस को लेकर के, सरकारी कोष को लेते हुए, खजाना लेते हुए सरकारी काम से रानीखेत के जंगलों में आगे बढ़ रहे थे। अचानक इनको लगा कि कोई इनको नाम लेकर के पुकार रहा है, श्यामाचरण, श्यामाचरण। तो इनको हैरानी हुई कि यहाँ पर मेरे को नाम से पुकारने वाला कौन आ गया। अचानक एक बहुत तेजस्वी सन्यासी इनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि मैं कभी काफ़ी लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं जानता था कि तुम इसी मार्ग से आओगे, वहाँ पर मेरी कुटी है, ऑफिस का काम करने के बाद तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। और उसके बाद सन्यासी चले गए। सरकारी कामकाज करने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने तंबू में लेटे सोच रहे थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जब उन्होंने उस सन्यासी को जंगल में देखा तो उनको अचानक से एकदम से ख्याल आया कि हो सकता है ये कोई डाकुओं का गिरोह है, ये सरदार है और इसके गैंग के लोग आसपास छिपे होंगे जो सरकारी खजाना लूटना चाह रहे होंगे। तो मन में आशंका थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि पहाड़ों पर मैंने सुना है बहुत अच्छे सच्चे संत योगी महात्मा भी होते हैं, तो ऊहापोह में उन्होंने सोचा कि चलो मैं चलता हूँ। जब थोड़ा आगे चले तो जंगल में कोई नज़र नहीं आ रहा था, सड़क भी नहीं थी, चलते गए। फिर इन्हें लगा कि इससे बेहतर है मैं लौट जाऊं। लेकिन तब इन्हें लगा कि जंगली जानवर यहाँ पर इतने घूम रहे हैं, हो सकता है तंबू तक पहुँचने से पहले ही कोई जानवर मुझ पर आक्रमण कर दे, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं आगे बढ़ता हूं। और ये सोच करके वो सूरज डूबने के बाद आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर वही आवाज़ आई और देखा कि पहाड़ पर गुफा में, एक गुफा के दरवाजे पर एक सन्यासी खड़े हैं। ये उनके पास गए और इन्होंने देखा सन्यासी की आंखों में इनके लिए वैसा ही प्यार है जैसे कि एक पिता की आंखों में अपनी संतान के लिए होता है। ये बड़े सम्मोहित से उनको देख रहे थे। तो उन सन्यासी ने इन्हें कहा कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, देखो ये तुम्हारा कमंडल है, ये तुम्हारा बागम्भर है, तुम यहाँ साधना करते थे। तो लाहिड़ी महर्षि ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा और मैं कभी आया भी नहीं हूँ, ये सब किसी और का होगा। तो सन्यासी मुस्कुराने लगे कि ये तो महामाया का खेल है। फिर उन्होंने इनका स्पर्श किया और एकदम से इनको पिछले जन्म की स्मृति जाग गई और बाबा जी जो थे उन्होंने इनको बताया कि मैं 40 वर्ष से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम यहाँ साधना करते थे और करते करते तुम्हारा देहांत हुआ था, उसके बाद तुमने वेस्ट बंगाल में घुरुनी गांव में जन्म लिया, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वास्तव में ऐसा हुआ भी था कि जब ये बच्चे थे, इनकी माँ शिव जी के मंदिर के आगे साधना करती थी और ये छोटे से बच्चे थे तो ये भी मिट्टी और रेत लपेट के शिव जी की तरफ ध्यानमग्न हो जाते थे। तो एक सन्यासी उस समय इनके सामने आए थे तो माँ जो थी घबरा गई और इनको बच्चे को गोदी में लेकर जाने लगी। तो उन्होंने कहा डरो मत, ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको भेजा है और ये आगे चल करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़े काम करेगा और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूँगा। तो इनकी माँ को ये संदेश मिल गया था शिव जी की तरफ से
कि उनके जो पुत्र हैं ये एक आध्यात्मिक विभूति हैं। अब महावतार बाबा जी से जब इनकी बातचीत हो गई तो महावतार बाबा जी ने इनको क्रिया योग की आगे की साधना जो पिछले जन्म में हो चुकी थी उसके आगे के करवाना शुरू कर दिया। फिर इनका ये नियम बन गया कि ऑफिस का काम जल्दी जल्दी रानीखेत में निपटा कर ये बाबा जी के पास जाते थे और वहाँ पर अपना योग साधना करते थे। जब योग साधना की पुरानी सारी चीज़ें इनको याद आ गई तो बड़ी तेज़ी से इनकी साधना आगे बढ़ने लगी और ये साधना में तब इतने आत्ममुग्ध हो गए, इतने आनंद मग्न हो गए कि इन्होंने कहा कि मैं वापस अपने परिवार और ऑफिस के कामकाज करने के लिए लौटना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बाबा जी ने इनको समझाया कि नहीं, तुमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, समाज में रहना है, गीता का ज्ञान घर घर तक पहुँचाना है, गीता योग शास्त्र है, क्रिया योग विज्ञान है और तुमको इस काम के लिए मैंने चुना है, तुम्हें यह काम करना होगा। और ये भी कहा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी जो पोस्टिंग है बदली है वो दानापुर से काशी में हो जाएगी और वहाँ रह करके तुम आगे का काम करोगे। तो लाहिड़ी महाशय ने फट से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया और एक अपना आवेदन बना के अंग्रेज़ों को दे दिया कि यहाँ पर पहाड़ों पर मुझे स्वास्थ्य की समस्या है तो मेरा तबादला जो है मैदान में कर दिया जाए। फिर उनका कुछ दिनों बाद दानापुर, दानापुर के बाद काशी में उनका ट्रांसफ़र हो गया और काशी में ये रहने लगे। और जैसा कि अक्सर घरों में होता है प्रॉपर्टी को लेकर के इनके घर में भी डिस्प्यूट होने लगे, तो बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने वो सारी संपत्ति छोड़ दी और किराए के मकान में रह करके अपना ट्यूशन पढ़ाना और सरकारी नौकरी करके काम करने लगे। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी 30 रुपये महीना केवल इनकी पेंशन हुआ करती थी, लेकिन जीवन में बड़ी शांति थी, बहुत संतोष था। और धीरे धीरे जब इन्होंने लोगों को क्रिया योग की दीक्षा देनी शुरू की तो लोगों को इनके यौगिक ऐश्वर्य के विषय में पता लगने लगा। जब पता लगने लगा तो लोग इनके पास आने लगे, ये गीता का प्रवचन देने लगे। गीता की यौगिक व्याख्या सबसे पहले एक योगशास्त्र के रूप में इन्होंने दी, उसको छपवा करके लोगों में इन्होंने बांटा, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में इन्होंने सहयोग दिया। तो इनका एक तरह से शांति के साथ ये योग छात्र को अपने आगे बढ़ाते रहे। बनारस में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध योगी हुए हैं जिन्हें जीवंत शिव कहा जाता था, तेलंग स्वामी जी। वो बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता था कि उनको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था लेकिन वो जेल के ऊपर वॉक करते हुए दिखे थे। एक बार किसी ने कहा कि आप तेलंग स्वामी जी से मिले, तो ये मिलने गए तो तेलंग स्वामी ने इनको देखते ही वो खड़े हो गए और इनको बड़े प्रेम से गले लगाया। तो तेलंग स्वामी के जो शिष्य लोग थे वो हैरान रह गए कि हमारे गुरु जी के सिवा भी कोई व्यक्ति इतना महान योगी हो सकता है कि हमारे गुरु जी खड़ा होकर के उसका सम्मान करें। तो तेलंग स्वामी जी ने अपने शिष्यों को लिख करके दिया था कि बड़े बड़े साधु और सन्यासी जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपना कोपीन तक त्याग देते हैं उस अवस्था को इस महान संत ने गृहस्थ आश्रम में रह करके प्राप्त किया है। इस तरह से लाहिड़ी महाशय का जीवन अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है कि हमें हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाहिड़ी महाशय कहते भी थे कि जो कमज़ोर होता है वो ही संसार को छोड़ करके जाता है, जो वीर है, जो शूर है, जिसमें संयम है, वो समाज में रह के, परिवार में रह के सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आध्यात्मिक साधना करता है। और उसी उदाहरण को उन्होंने आगे फैलाया युक्तेश्वरी जी के माध्यम से, फिर ब्रह्मस्य योगानंद जी के माध्यम से और उसके बाद से उनके माध्यम से पूरी दुनिया में आज क्रिया योग हम लोग समझते हैं, करते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम जिसे हम पढ़ते हैं वो जीवन में चरितार्थ हो गया है क्रिया योग के माध्यम से। उनकी पुस्तकों में जो लिखा है, उनके जो अनुभव होते थे, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं उस अध्यात्म यात्रा पर, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राण हर देह में विद्यमान है, प्राण की चंचल अवस्था मन है। मनुष्य का देह मंदिर है जिसमें भ्रू मध्य में पुरुषोत्तम परमात्मा विराजमान है। उन्हें खोजना ही परम आनंद का अनुभव है। मन स्थिर होने पर साधक को अपनी धारणा के अनुसार दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं, किंतु यह दर्शन भी माया का अंग हैं, भ्रमात्मक हैं, क्योंकि परमात्मा सभी रूपों में, अनंत रूपों में सर्वव्यापी स्वयंभू प्रकाश है जो सच्चित आनंदमय है। घट घट वासी राम उसी को कहते हैं। राजयोग एक विज्ञान सम्मत साधना पद्धति है जिसमें हठ योग एवं लय योग दोनों का समावेश है। मानव देह में प्राण अपने स्वभाव के अनुसार 5 रूपों में प्रवाहित होता है, प्राण, अपान, समान, उदान और प्यान। जब ये 5 वायु समान रूप से संतुलित होकर स्थित रहते हैं तभी मन स्थिर हो सकता है। प्राणायाम से प्राण व अपान वायु स्थिर होते हैं, नाभि द्वारा समान प्राणवायु स्थिर होता है,
महामुद्रा द्वारा उदान एवं व्यान वायु स्थिर होते हैं। पांच प्राण स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात इस शरीर रूपी रथ में स्थिर वामन देव का दर्शन करके जन्म सफल होता है। जो उस पुरुष का दर्शन प्राप्त करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। कबीर दास ने कहा है, मरते मरते जग मरा, मरना न जाना कोई, ऐसा मरना कोई न मरा जो फिर मरना ना होए। मरना है द्वै भांति का जो मरना जाने कोए, राम दुआरे जो मरे फिर ना मरना होए। मृत्यु दो प्रकार की होती है, साधारण मृत्यु जो निरंतर प्राणियों में हम आसपास होता देखते हैं, असाधारण मृत्यु राम के दरवाजे पर मृत्यु, राम द्वारे अर्थात भ्रूमध्य के अंदर कूटस्थ में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए देह त्याग करना। जो लोग जीवन भर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं वही इस गति को पाते हैं। लाहिड़ी महाशय ने इसी प्रकार देह त्याग किया था। प्राणवायु को भूमध्य में खींचकर मन को स्थापित कर देह त्याग जब उन्होंने किया उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से कोई गोली बाहर निकल करके जा रही हो। उनका चेहरा मूर्तिवत स्निग्ध तथा प्रशांत था। गीता में इसी अवस्था का वर्णन किया गया है, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यही मनुष्य का सहज धर्म है जिसे भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावाधा, अर्थात आत्मा के धर्म में स्थित रहकर शरीर त्याग करना श्रेयस्कर है। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहकर जीवन जीने का परिणाम भयानक होता है। कबीरदास ने कहा था, लिखा लिखी की बात नहीं देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरात, अर्थात आध्यात्मिक साधना करने से ही इस स्थिति का अनुभव सबको होता है। लाहिड़ी महर्षि लिखते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वह आत्मसूर्य ही सब कुछ है, संपूर्ण मालिक, उस आत्मसूर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक जगह उन्होंने मनुष्य की मुखाकृति बनाकर उसके कपाल पर लिखा, मैं ही वो श्यामाचरण आत्मसूर्य हूँ, ज्योति समेत सूर्य, वही महापुरुष परम ब्रह्म है, परम आनंद। अब बहुत ही मजा आया, अब सांस पूरी तरह भीतर ही भीतर चल रही है, ऐसा आनंद दूसरे किसी में प्राप्त नहीं होता, इसका ही नाम चिदानंद है, यही ब्रह्म है। इतने दिन बाद आज जन्म सफल हुआ, स्वयं स्वरूप नारायण को देखा, मनुष्य के रूप में महादेव और पार्वती के रूप का दर्शन किया, मात्र स्नेह भावना के साथ पार्वती ने मुझे चुंबन दिया। तेलंग स्वामी जो काशी के जीवंत शिव कहलाते थे, उन्होंने भी लाहिड़ी महाशय का बहुत सम्मान किया था। लाहिड़ी महाशय ने गीता की योगिक व्याख्या की है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं की। उस गीता की हजारों प्रतियां छपवाकर अपने जीवन काल में उन्होंने उन सभी लोगों को दी जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे। योग के बिना साधना संभव नहीं है। योग अर्थात मिलन या युक्त होना, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग का उद्देश्य है। योगीराज नाम की उपाधि उनके ससुर ने उनको दी थी, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके ससुर, उनके संबंधी सभी उनके योग के ऐश्वर्य को समझने लगे थे और उनके शिष्य बन गए थे। लेकिन लाहिड़ी महाशय प्रचार प्रसार से बिल्कुल अलग रह करके, छिप करके अपनी साधना करना पसंद करते थे। वे सभी जीवों में नारायण का दर्शन करते थे। उन्होंने गीता का जो श्लोक है, द्वा विमो पुरुषो लोके शर च अक्षर एव च शरह सर्वाणि भूतानि गुटस्थो अक्षर उच्चते, इसकी अलग से व्याख्या दी है कि शर एवं अक्षर नाम के दो पुरुष प्रसिद्ध हैं। भूत या पदार्थ को शर, कूटस्थ को चैतन्य या अविनश्वर पुरुष कहा है। यह कूटस्थ क्या है? कूट का अर्थ है निहाई, अर्थात लोहपीठ, जिसे अंग्रेजी में एनविल बोलते हैं। इसके ऊपर रहकर लोहार और सुनार पीठ पीठ पर किसी भी धातु को एक अलंकार या वस्तु का रूप देते हैं। कूटस्थ ही से सारा जगत वर्तमान है, इसे ही तीसरी आँख, त्रिनेत्र या तुरीय दृष्टि या ज्ञान चक्षु कहते हैं। यहीं से योगी को हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। अर्जुन तेजस तत्व हैं जिसके द्वारा जिज्ञासाएं उभर रही हैं, और श्री कृष्ण कूटस्थ चैतन्य हैं जो अपने अंदर इसका उत्तर दे रहे हैं। आमतौर पर भगवद्गीता में अर्जुन उवाच
भगवान उवाच कहा है, लेकिन लाड़ी महाशय लिखते थे कि उनको कूटस्थ में अनुभव हो रहा है। गीता के रहस्य को यदि जानना है तो पहले मनुष्य को अपने देह रूपी मंदिर में प्रवेश करना होगा। देह के बाहर रहकर गीता को कभी नहीं समझा जा सकता। पहले श्लोक में ही भगवान ने धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात की है। यह धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र हम अपने देह से ही संपादित करते हैं। गीता के रहस्य को समझने पर मनुष्य जीवन की सार्थकता का बोध होता है। तोते की तरह रटने से कोई लाभ नहीं होता। गीता को समझने के लिए प्राण कर्म या प्राणायाम साधना जरूरी है। कुरु पक्ष प्रवृत्ति अर्थात संसार की इच्छाओं के पीछे भागना चेष्टा करना है। पांडव पक्ष निवृत्ति अर्थात मेडिटेशन करना है। दोनों का युद्ध अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। श्वास की गति जब तक बाहर है तब तक हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं, और सांस की गति जब हमारे अंदर हो जाती है तब हम लोग धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर के जो पांच कोशीय संसार है उसमें विचरण करना शुरू कर देते हैं। जो जितनी कम उम्र में योग क्रिया को आरंभ कर देता है उसको साधना करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो तीनों गुणों का ज्ञान है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से पार। लाड़ी महाशय कहते हैं कि जो तीन ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, जिव्या ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, जिसे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा है, इनको भेदने वाला ही त्रिभंग मुरारी है। जो चंचल प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित कर लेता है वही ऊर्ध्वरेता है। ऊर्ध्वरेता शब्द को लेकर लोगों में बहुत शक होता है कि ये होता क्या है। लाड़ी महर्षि ने बताया है कि शुक्र या वीर स्खलन होने के कारण स्त्री संभोग का त्याग करने और इंद्रियों का निग्रह करने से व्यक्ति ऊर्ध्वरेता नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक साधना करने से जब अपनी दोनों भावों के बीच में अपने मन को स्थापित कर देता है तभी वो ऊर्ध्वरेता होता है। अर्थात उसकी जो वाइटल शक्ति है वो एक जगह फोकस्ड हो जाती है और तब उसके अंदर डिवाइन एनर्जी फ्लरिश करती है। इस शरीर में जो ऊठस्थ विद्यमान है उसे जो गुरु के उपदेश द्वारा नहीं देखता वो अंधा है। गीता के अध्याय 2 में कहा गया है, अव्यक्ता दीनी भूताने व्यक्तम मध्याने भारत। हे भारत, हर जीव का आरंभ और अंत अव्यक्त है। हमें नहीं पता कि कौन सा जीव कहाँ से आया है और मृत्यु के बाद कहाँ जा रहा है। केवल जीवन का जो मध्यकाल है वही हमें व्यक्त या अभिव्यक्त या आंखों से दिखाई देता है। चंचल प्राण को ही प्रकृति कहते हैं, जिससे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। स्थिर प्राण चंचल प्राण का उद्गम है। निश्चल अवस्था ही ब्रह्म अवस्था है, अमर पद है, जिसमें न जन्म है न मृत्यु। योग साधना के लिए स्वस्थ मानव देह और दृढ़ मनोबल नाम की दो संपत्तियों की आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुष सभी को योग साधना का समान अधिकार है। शरीर ही ओमकार है, इसे जानने पर सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्मों में जो कर्म किए गए उन्हीं को देव या भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। वर्तमान में जो कर्म किए जा रहे हैं उन्हें पुरस्कार कहते हैं। प्राणायाम अथवा उत्तम प्राणायाम करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कूटस्थ में स्थित रहने का नाम ही लक्ष्मी है। क्रिया करने से ही सिद्धि मिलती है, यही विश्वकर्मा है। कूटस्थ के भीतर जो गोलाकार वृत्त हैं वही देवगण हैं। ओंकार क्रिया द्वारा बाईं ओर के हृदय में जो स्थित हैं वही वामदेव हैं। इड़ा पिंगला रूपी धनुष जिसके हाथ में है वही धनुराम है। वे ही प्रवृत्ति निवृत्ति सबका हरण करने वाले हरि हैं। भूख प्यास जन्म मृत्यु सुख दुख से रहित होने के कारण वो ही 6 ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। ओंकार क्रिया से हृदय में जोर से धक्का देने से हृदय मंदिर का द्वार खुल जाता है। मूर्ति दर्शन उपदेश सुनना आदि अध्यात्म मार्ग के बाहरी अंग हैं। अंत में अद्वैत भूमि को प्राप्त करना ही होगा। आत्मा ही गुरु है, एकमात्र आत्मकर्म ही कर्म है, दूसरे सभी अकर्म हैं। किंतु जीविका निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना ही होगा, इसलिए कर्म को कभी भी संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ा जा सकता। गृहस्थ व्यक्ति को अर्थ और परमार्थ दोनों चाहिए,
जो संसार से विरक्त होकर ग्रह त्याग कर देते हैं वो दुर्बल हैं। सात्विक आहार से शरीर और मन शांत रहते हैं। प्रतिदिन 5 या 6 घंटे सोना जरूरी है। क्रिया करने के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है। प्राण कर्म करने से देवत्व की स्थिति में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में कहा है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे नाग अग्नि आवृता। क्रिया योग ही वह सहज कर्म या प्राण कर्म है जो सहजात है, जो जन्म के साथ है, क्योंकि सांस हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक है। उस सांस पर ध्यान देते हुए अपने भौं के बीच के जो केंद्र है उसमें स्थित होते हुए अंदर के संसार को खोजना, यही हमारा सहज कर्म है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा जीवन निष्फल हो जाता है। पहले पहल अभ्यास करने पर, दोषयुक्त होने पर भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू शुरू में ध्यान में मन नहीं लगता है, उचटता है, डर लगता है, लेकिन उन सब से अपने को उबारते हुए रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस सभी को करनी चाहिए। प्रारंभ में सभी कर्म धुएं से ढकी हुई अग्नि की तरह दोषपूर्ण रहते हैं, किंतु बनत बनत बन जाए, अर्थात आत्मकर्म का नियमित अभ्यास करते रहने से एक दिन कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम महाधर्म है जो वेद या विज्ञान द्वारा अगोचर है। ये सभी पुण्यों का सार है और सभी पापों का विनाशक है। जो प्राणायाम करते हैं वे आनंद या सुखपूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु नाक दबाकर किया जाने वाला प्राणायाम यह नहीं है। ये गुरु द्वारा ही प्राप्त होने वाली सांस लेने की विधि है। अल्प बुद्धि वाले लोग उंगली द्वारा नासिका छिद्र को बंद करके जो प्राणायाम करते हैं वो शिष्ट जनों के लिए परित्याज्य है, ऐसा लाड़ी महर्षि ने लिखा है। जिस प्रकार एक और एक मिलकर दो होते हैं जो गणितीय सत्य है, उसी प्रकार 12 उत्तम प्राणायाम से प्रत्याहार, 144 प्राणायाम से धारणा अर्थात आत्मविषयक धारणा बनती है। ये समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकाश रूपी आत्मा हूँ। 1728 प्राणायाम करने से ध्यान और 20736 उत्तम प्राणायाम करने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, यह निश्चित और वैज्ञानिक सत्य है, ऐसा लाड़ी महर्षि ने अपनी डायरी में लिखा है। जिस प्रकार भोजन से भूख मिटती है, उसी प्रकार क्रिया योग से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सामान्य लोग 24 घंटों में 21,600 बार सांस लेते हैं। सांस की पूंजी समाप्त होना ही मृत्यु कहलाता है। एक प्राणायाम में 44 सेकंड का समय लगता है। इसके अनुसार योगी 24 घंटों में 2000 प्राणायाम करता है, जो 1964 सांस है। अनेक महात्माओं ने इसी योग मार्ग से जीवन में परमात्मा बोध किया है, जिनमें प्रमुख हैं राजा कपिल, राजा जनक, व्यासदेव, शुकदेव, पतंजलि, सुकरात, यीशु क्राइस्ट, सेंट जॉन, सेंट पॉल, दादूदयाल, कबीर, रविदास, गोरक्षनाथ, तुलसीदास, नानक जी, रामप्रसाद सेन आदि। पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लहड़ी। इस पुस्तक का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जब हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, जिसका सही मार्गदर्शन जब हमें नहीं मिलता तो हम लोग डर जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। लेकिन लाड़ी महाशय ने मैथमेटिकली, साइंटिफिकली हमें साधना के सारे रहस्य खोल करके हमारे सामने रखे हैं अपनी डायरियों के माध्यम से। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भारत में जो प्राचीन ऋषि थे वो सब गोमांस भक्षण करते थे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुविधा संशय हम लोगों में रहा है। लेकिन जब इस पुस्तक को हमने पढ़ा तो समझ में आ गया कि गोमांस भक्षण का अर्थ होता है कि साधना करते करते जब हमारी जीभ, जिसको संस्कृत में गो बोलते हैं, तालु पर लग जाती है, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, तो इस घटना को आध्यात्मिक साधना में गोमांस भक्षण कहा जाता है। पंच मकार में जो कहा है मद्यपान, मैथुन, उन सब का भी साधना में आत्मरति क्या होती है, अपने अंदर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में जब प्राण का प्रवाह होता है तो जो घटनाएं घटती हैं वो कितनी आनंदमय होती हैं, और उनका अभ्यास करने से ही वो चीज़ें हमको समझ में आती हैं। जैसे कि सांसों के बारे में उन्होंने कहा है, एक साधारण मनुष्य
24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन जो योगी है वो 1964 सांसें लेता है। यानी कि 44 सेकंड में अगर हम एक प्राणायाम करते हैं तो हम अपने आप को अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। या महावतार बाबा जी के विषय में एक जगह लाड़ी महाशय ने लिखा है, जो किसनू सो बड़का बाबा। किसनू अर्थात कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और महावतार बाबा जी दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इस प्रकार इस पुस्तक को पढ़ करके जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं उनकी आँखें खुल जाती हैं, उनके संशय के बादल हट जाते हैं और जो चेतना का सूर्य है पूरी प्रचंड रश्मियों के साथ तेजस्वी होकर के हमारे सामने चमकने लगता है और हमें समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिक साधना करने के लिए हमें कहीं दूर जंगल, पहाड़ या गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, आजीविका कमाते हुए, परिवार के सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए, एक दाम्पत्य जीवन को जीते हुए, माता पिता की भूमिका में, संतान की भूमिकाओं, तमाम भूमिकाओं को करते हुए भी हम अगर नित्य साधना करेंगे, जैसा पिरामिड मेडिटेशन में सिखाया जाता है, आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए, दोनों भावों के बीच में जो स्थान है वही कोटस्थ चैतन्य है, वहीं पर सूर्य हैं, वहीं पर ध्रुव हैं, वहीं पर कृष्ण हैं, वहीं राम हैं, वहीं वैष्णव हैं, वहीं शिव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ, चारों वेदों का ज्ञान हमारे अंदर स्वतः ही स्फुरित होता है, मुखरित होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हर मनुष्य के जीवन के लिए है। मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक को पढ़कर हम सभी साधक अपनी साधना को और तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।